नमस्ते ब्रजेचारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज देखेंगे मारुति सुजुकी डिजायर का एक्सीडेंट और इको स्पोर्ट का एक्सीडेंट। आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको वहाँ से जाके दिखाता हूँ। देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ। ये अपनी इको स्पोर्ट का एक्सीडेंट है, फोर्ड की इको स्पोर्ट है। अब तो फोर्ड चली गई है इंडिया के अंदर। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी थी। इसका जो चैम वाला सीधा वाला जो होता है ना, अपना इसको क्या बोलते हैं, इसको ये तक नहीं टूटा है, ओनली ये डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से इतना डैमेज हुआ है, ये पूरा डैमेज हो गया है। ये वाली गाड़ी भी टोटल लॉस जा सकती है, पर बचते भगवान जाने इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती क्या नहीं कहती। लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। लेकिन अब इसमें आप ये कहोगे इसके एयरबैग नहीं खुले हैं, बिल्ड क्वालिटी के अंदर इसके ड्राइवर में भी बहुत ज़्यादा इंजरी आई है। इसकी स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। ये आप देख सकते पूरा इस तरफ से हिस्सा पूरा ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरफ से, ये देखो। अब इसकी टीन क्वालिटी देखो, यहाँ से पता पड़ेगी। अब ये डिजायर ने तोड़ा है, ये डिजायर ने इसकी टीन क्वालिटी तोड़ दी है। पूरी गाड़ी डिजायर ने तोड़ी। अब बिल्ड क्वालिटी करते ना, ये बिल्ड क्वालिटी, ये लो आपके सामने बिल्ड क्वालिटी है। हालांकि हर एक गार्ड अपनी भी, ये भी 3 स्टार है, वो अपनी 2 स्टार है। उसकी देखते हैं उस तरफ ऐसा क्या है। डिजायर को देखते हैं, डिजायर तो अपनी बेचारी मारुति तो वैसे ही बदनाम है, चिपट गई है पूरी गाड़ी। बोनट से लेके अपनी लाइट, उस मतलब बोनट अपना पूरा अंदर घुस गया है इसमें। आप देख सकते हैं कितना अंदर हो गया है। अब इसमें सेफ्टी कैसे इंसान बचेगा, आप देख सकते हैं कितना गाड़ी के अंदर बचा है, आप ये भी समझ सकते हैं। लेकिन भगवान की दुआ से सारे के सारे इस गाड़ी के अंदर पूरे सेफ बच गए, किसी को इंजरी नहीं आई है। छोटी सी ड्राइवर को आई है जो भी मामूली है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें डैमेज कितना आया वो आपको दिखा देता हूँ। देखो पूरा तो इंजन वगैरह सारी डैमेज हो गया है, तो पूरा आप समझ में आ ही गया होगा कितना। अब आप अंदर कितना दिखाऊँ आपको मैं, ये आप देख सकते हैं इतना अंदर दिख रहा होगा। थोड़ा सा इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरफ से देखो इस तरफ से कितना दिखता है। ये बिल्ड क्वालिटी है। आप गाड़ियाँ लो, आप 4 स्टार लो, 3 स्टार लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरफ का पूरा हिस्सा फेरे से, ये देखो आप इसकी स्टीयरिंग वगैरह। इतने छोटे से एक्सीडेंट में इसकी स्टीयरिंग टूट गई, ये आप देखो स्टीयरिंग पूरी टूट गई। ये आप देखो म्यूजिक सिस्टम, ए सी वगैरह सारा पैरल पूरा बिखरा पड़ा है। देखो आप पूरा हिस्सा बिखरा पड़ा है इस तरफ का, ये खुल नहीं रहा है, तो आपको खोल के दिखाता। देखो पूरा पैरल, ये डैशबोर्ड वगैरह पूरा खुल गया है, सब चीज़ें खुल गई। इसकी क्लच पैडल वगैरह सही है कि नहीं है, ये तो सही है। सब खत्म है इसके, पूरा सब सामान खत्म हो गया है। देखो इसको खोलता हूँ, मैंने खोल तो दिया है बोनट, खुल गया। देखो इसका बोनट अगर खुलता है तो ठीक है। खोल लेता हूँ, ये देखो इंजन तो बच गया है। हालांकि देखो कितनी जाएगी ये, टोटल लॉस में ही ये गाड़ी जा सकती है। देखो आप पूरी ख़त्म है ये गाड़ी, ये वाली जो गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं पूरी ख़त्म। आगे पीछे से अगला आगे से तो पूरी गाड़ी ये टोटल लॉस में जाएगी। ये वाला टायर बिल्कुल बच गया है बेचारा, ये दोनों टायर बच गए। इस तरफ से ऐसा दिखाता हूँ आपको, ये भी ग्वालियर पास नंबर थी हमारी, हमें डबरा शहर के अंदर हुआ है, हरिपुर पर एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरफ का फेंडर वगैरह ये इको स्पोर्ट का पड़ा है, फेंडर बम्पर। इस तरफ से देखो ये वाला गेट तो अपना ओपन भी है, ये देखो ये वाला गेट तो अपना बेचारा चल भी रहा है। ये वाला गेट ये देखो, ये वाला गेट भी ओपन है। इस तरफ पूरा हिस्सा खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। ये आप देखो पूरा पूरी गाड़ी टोटल लॉस जाएगी। देखो पेपर वगैरह रखा है इधर। अभी कोई स्पोर्ट, इको स्पोर्ट दिखाता हूँ आपको मैं। इको स्पोर्ट का देखो, इको स्पोर्ट का अंदर एयरबैग नहीं खुला, स्टीयरिंग तो ठीक है, स्टोरन बज रहा है इसमें तो, बैटरी वगैरह सब डली हुई है। देखो सब चीज़ें, ये देखो बेचारा बंदा कैसे चल रहा है, सब ख़त्म हो गई। ये भी ख़त्म हो गई गाड़ी। देखो मिरर वगैरह इसका टूटा पड़ा है, इसका मिरर टूट गया, इस तरफ का हिस्सा, इसका टायर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। इस तरफ से आपको मैं एक तरफ ड्रिल दिखाता हूँ आपको, कितनी ये डैमेज हुई है। ये देखो इतनी देखो आप, ये आप सामने से इतना देखो, ये फेंडर ही वाला चला गया, कितना दब गया। आप सोचो इसमें इसने टक्कर मारी है तो पूरा टायर ही ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं ये वाला टायर ख़त्म हो गया, इतना पूरा हिस्सा ही इस तरफ का देख सकते हैं आप, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। विंडशीट वगैरह पूरा एरिया ख़त्म हो गया। इस तरफ डिजायर की हालत देखो आप, डिजायर तो बेचारी आप देख ही सकते हो, क्योंकि मारुति गाड़ी में तो वैसे ही तरस आता है। इंसान कहते हैं टीन का डब्बा, वैसे ही फिजा ख़राब है इन लोगों की। तो यही है, बिल्ड क्वालिटी आप मायने नहीं रखती। आप धीरे चलोगे तो बिल्ड क्वालिटी मायने भी रखेगी, नहीं तो कोई बिल्ड क्वालिटी मायने रखेगी। आप 3 स्टार गाड़ी ले लो, 4 स्टार भी ले लोगे, ओवर स्पीड का कमाल भी है नतीजा इस गाड़ी का।
इस गाड़ी की गलती है, इस गाड़ी को भुगतनी पड़ी क्योंकि ये गाड़ी बेचारी ब्याज में ही चली गई। ओवर स्पीड में चलोगे नुकसान तुम्हारा है, कोई स्टार काम में नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। तो धीरे चलोगे आप, अगर सदेश मैं यही करता हूँ क्योंकि आप भी अगर अच्छी सेफ्टी रेटिंग वाली कार लीजिए, ना कि थ्री स्टार या टू स्टार वाली कार मत लीजिए। तो आप सेफ्टी चलोगे, धीरे चलोगे, आपको ही फायदा है। गाड़ी आप कोई सी लीजिए, माइलेज की मशीन तो ये है ही मारुति की, ये भी अपनी ठीक है, पता नहीं कौन सा वेरिएंट था ये। तो यही है, ये डिजायर थी VXI, ये अपनी मिड वेरिएंट थी, ये प्रेस्टीज भी कौन सी थी भगवान जाने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। धीरे चलोगे आप अपनी फायदा है, और सीट बेल्ट लगा चलोगे और भी अपना फायदा है। देखो इस बंदे ने सीट बेल्ट लगा के चले थे ये लोग, देखो सीट बेल्ट लगा चले थे, एयरबैग खुले पड़े हैं दोनों के दोनों। तो सीट बेल्ट लगा चलोगे अपना ही फायदा है। और वैसे ही तो पुलिस वाली गाड़ी थी क्योंकि देखो अपनी स्टाफ से ही थी, तो इतना डैमेज इसका पड़ा है। देखो व्हील के ऊपर पूरी गाड़ी का चूमर बन गई, देखो ऑयल वगैरह सारी चीज़ें, ये पूरी गाड़ी का चूमर बन गई है। तो पेट्रोल वेरिएंट था, ये चीज़ें पूरी गाड़ी का चूमर बन गई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सीट बेल्ट लगा के जरूर चलने पर निवेदन करता हूँ आप सबसे। आपको मैं एक बार आगे से और दिखा देता हूँ।